अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि FPSC ने CSS जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसकी एमपीटी टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी है। और इस टेस्ट की जो डेट है, लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की, वो 26 अगस्त है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट होगा एमपीटी का जो टेस्ट है वो 6 अक्टूबर 2024। और अगर बात करें एलिजिबिलिटी की तो सेकंड वीएन इन एनी बैचलर डिग्री और एज रेंज है वो है 21 से 30 इयर्स। और जो प्रोसीजर है, आप एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट है, आप वहां पे जाकर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके सिलेबस की तो 200 इसके टोटल मार्क्स होते हैं, क्योंकि 200 MCQs बेस्ड ये टेस्ट होता है, और जिसके लिए आपके पास 200 मिनट्स होते हैं जिसमें आपने इस पूरे पेपर को सॉल्व करना होता है। रही बात सिलेबस का जो कंटेंट है, उसमें इस्लामिक स्टडी और एथिक्स है, उसके टोटल 20 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा जो उर्दू है उसमें ग्रामर यूजेज और ट्रांसलेशन है, उसके भी 20 मार्क्स होते हैं, मतलब 20 मार्क्स के MCQs होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में वोकेबलरी है, ग्रामर यूजेज है और कम्प्रीहेंशन है, जिसके टोटल मार्क्स 50 होते हैं, मतलब 50 MCQs हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है। उसके बाद आता है 60 नंबर का जो पोर्शन है, उसमें आपके पास बेसिक अर्थमेटिक मीन, अलजबरा, ज्योमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़, और इसके अलावा मेंटल एबिलिटीज़ के बेस्ड जो MCQs होते हैं उनको आपने सॉल्व करना होता है। और जनरल साइंस की अगर बात करें तो उसमें एवरीडे साइंस और इसके अलावा करंट अफेयर और पाक अफेयर से रिलेटेड MCQs होते हैं। ये जो जनरल साइंस का पोर्शन होता है वो टोटल 50 मार्क्स के होते हैं, मतलब इसमें मे बी 20 मार्क्स के एवरीडे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब MCQs हो सकते हैं, या करंट अफेयर से रिलेटेड 10 होंगे, और पाक अफेयर से रिलेटेड 20 हो सकते हैं, मे बी करंट अफेयर से रिलेटेड 20 हों और पाक अफेयर से रिलेटेड 10 हों। ये वेरी करता है कि वो किस तरह से आपसे MCQs पूछता है। बाकी MPT टेस्ट की तैयारी करने के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डिफरेंट बुक्स भी हैं जिनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और जर्नल एबिलिटीज से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारी डिफरेंट वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, जिनमें आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी।